Okay, तो सबसे पहले जो है हम डिफाइन करेंगे कि जो माइटोसिस है वो क्या होती है माइटोसिस की अगर हम बात करें तो ये जो है हमारी प्रोसेस होती है सेल डुप्लीकेशन की जहाँ पे एक सेल जो है या यू कह सकते हैं जो पेरेंट सेल है वो डिवाइड होता है इनटू द टू जेनेटिकली आइडेंटिकल में, राइट right? तो यहाँ पे जो है एक पेरेंट सेल से दो एक जैसे डॉटर सेल्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं मीन्स यहाँ पे जो पेरेंट सेल में क्रोमोजोम का नंबर होगा सेम ही क्रोमोजोम नंबर जो है उनके डॉटर सेल्स में होगा इसीलिए मोस्ट ऑफ द टाइम माइटोसिस को जो है इक्वेशनल डिविजन भी कहते हैं राइट बिकॉज जो हमारे ये डिवीज़न है इसमें क्रोमोजोम जो है वो रेप्लिकेट होंगे लेट मी राइट, क्रोमोजोम जो है पहले रेप्लिकेट होंगे और उसके बाद जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं इनटू द टू जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉट सेल ओके सो दिस माइटॉसि अब हम यहाँ पे इसके दो बेनिफिट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो हमारे माइटोसिस प्रोसेस है इसके क्या बेनिफिट होते हैं तो जो माइटोसिस है ये हेल्प करती है इन ग्रोथ एंड डेवलप राइट right? ये सेल की जो है ग्रोथ और डेवलपमेंट में इन्वॉल्व होती है आफ्टर दैट सेकेंड बेनिफिट जो है ये हेल्प करती है इन द सेल रिपेयरिंग सेल को जो है फिर से तैयार करती है सेल को रिपेयर करती है और रीजनरेशन भी करवाती है अगर कोई सेल जो है वो खत्म हो गया है तो कुछ एनिमल्स में रीजनरेशन की प्रॉपर्टी होती है तो उसमें भी जो माइटोसिस है वो इन्वॉल्व होती है सो दीज आर द टू बेनिफिट्स ऑफ द माइटोसिस राइट और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउट या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर